हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट के बारे में, उनके ऑपरेशन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। ओके, आज हम पढ़ लेंगे इंटरवल क्या होता है, इंटरवल के टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है जो सेट के जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना, उसके बेसिस पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो चलो बात आती है इंटरवल की, बात आती है इंटरवल की। अच्छा, मूवी देखने गए हो? मूवी देखने चलो ये 3 महीने में नहीं गए, बट पहले गए होंगे। तो मूवी में क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है, बाद में सेकंड हाफ होता है, और बीच में इंटरवल होता है। होता है ना, मूवी देखने जाते हो तो फर्स्ट हाफ होता है, बाद में इंटरवल आता है इंटरवल करके, और बाद में अच्छी अच्छी स्टोरी सस्पेंस इंटरवल के बाद खुलता है। ओके, तो वही होता है हमारा इंटरवल, मतलब दो टाइम, मतलब दो सीन हो गए, एक तो फर्स्ट हाफ हो गया और एक सेकंड हाफ हो गया, जो बीच में का बचा हुआ है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। तो वही इंटरवल हमें यहां पढ़ना है। तो इंटरवल क्या होता है बच्चों, मानो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता चले जाएगा ये। ओके, सो इंटरवल ए इज लेस देन टी इज लेस देन बी। ए मतलब कोई भी नंबर ले लो, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं। ओके, सो 1 इज लेस देन टी लेस देन बी, 1 से लेकर 5 तक। ओके, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया, इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जो भी टाइम है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में जितना भी टाइम है उनको हम इंटरवल बोलते हैं। तो जितने भी नंबर ये बिलोंग कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। ओके, सो बेसिकली इसके टाइप बनाए हैं बच्चों। पहला टाइप है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओके, सो ओपन इंटरवल कैसे होता है, इसका मैं पहले आपको डिनोट कैसे करते हैं ये बता दूं। ऐसा जहां कहीं भी आपको दिखे इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। ये क्या होता है बच्चों, ये एक नंबर लाइन है। ओके, यहां पे ओपन बॉल निकालना ए और यहां पे बी। ओपन बॉल इसलिए निकाला क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन बॉल निकालना मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना, बी को इंक्लूड नहीं करना, बट यहां से लेकर यहां तक जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। कौन नहीं आएगा, ए और बी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर ले लिया ओपन इंटरवल 1 to 5, ओपन इंटरवल 1 to 5, ये हमारी नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यहां तक बात सिंपल ही चल रही है। ओके, सो ओपन इंटरवल 1 to 5, तो फर्स्ट हाफ क्या है हमारे पास 1, तो इसको ओपन करेंगे, ओपन बॉल निकालेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ ओपन बॉल निकाल लिया। ओके, और यहां से लेकर यहां तक ये जो सारे नंबर है ये आ जाएंगे, मतलब इसमें नंबर क्या आएंगे, 1.1 से लेकर 4.99 तक आ जाएंगे, क्योंकि 1 और 5 को तो इंक्लूड नहीं करना, ओपन है इसलिए। ओके, ओपन इंटरवल में हम 1 और 5 को जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते। सो 1.1 से लेकर 4.99 तक आ जाएंगे, इसमें 4.55 भी आ जाएगा, इसमें 2.3 भी आ जाएगा, 2.5 भी आ जाएगा। सो 1.1 से लेकर 4.99 तक आ जाएंगे। ओके, चला इसको बता दो, मेरा 2 से लेकर 6 तक है ओपन इंटरवल। ओके, सो ओपन है मतलब 2, ओपन 6, तो कितने नंबर आएंगे, 2.1 से लेकर 5.99 तक आ जाएंगे, पक्की बात है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ओपन इंटरवल हो गया, उसके बाद है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, ओपन हो गया, अब देखते हैं क्लोज इंटरवल क्या होगा। ये जो है क्लोज इंटरवल ए बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों, और क्लोज इंटरवल में हम ए और बी को इंक्लूड करेंगे। क्लोज इंटरवल में हम ए और बी को इंक्लूड करेंगे, मानो ये यहां से अभी सॉलिड बॉल निकालेंगे, क्लोज इंटरवल है ना इसलिए सॉलिड बॉल, और यहाँ पे ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, और ये सारे के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 6 तक, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 6 तक। ओके, सो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा आ जाएगा। ओके, सो 1 सॉलिड निकालना पड़ेगा क्योंकि क्लोज्ड है, 6
तो इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, 1 to 6, जितने भी नंबर 1 to 6 तक आते हैं वो सारे के सारे नंबर ये वाले इंटरवल में आ जाएंगे। 1 to 6, 1 to 6 मतलब 1 भी आ जाएगा उसमें, ये सारे के सारे 1 से लेकर 6 तक ये पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कि क्लोज इंटरवल 2 to 4। ओके, सो यहाँ पे नंबर लाइन ये सॉलिड 2 और सॉलिड 4 ऐसे निकालना पड़ेगा, और 2 से लेकर 4 तक पूरे के पूरे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। ये था ओपन इंटरवल, ये था क्लोज इंटरवल। उसके बाद थर्ड देखते हैं बच्चों, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। ओके, इसका जो है इसको सेमी ओपन ए टू बी, ध्यान से हाँ, सेमी ओपन मतलब पहले ओपन है और दूसरे साइड में क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल। ओके, इसमें क्या होगा, अभी बात समझ में आ गई होगी आपको, ओपन है इसलिए ओपन बॉल ए पे ओपन बॉल, और बी पे क्लोज्ड है मतलब यहाँ पे सॉलिड बॉल निकालना पड़ेगा। ओके, सो ओपन इंटरवल 1 to 4, ऐसा अगर सेमी ओपन इंटरवल आपको कोई देता है तो क्या आएगा, इसमें ओपन 1 रहेगा, सॉलिड 4 रहेगा, सो 1.1 से लेकर 4 तक, 1.1 से लेकर 4 तक, तो ये होता है हमारा सेमी ओपन इंटरवल। इसका भाई है दूसरा, उसका नाम है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, इसका सिंबल होता है बच्चों ये वाला, पहले क्लोज बाद में ओपन, सेमी क्लोज पहले क्लोज थे इसलिए सेमी क्लोज इंटरवल, यहाँ पे पहले ओपन था इसलिए सेमी ओपन इंटरवल। इसमें क्या होगा कोई बता सकता है, इसमें क्या होगा, किसको सॉलिड करेंगे, ए को सॉलिड और बी को ओपन, मतलब ए इंक्लूड होगा बट बी इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सेमी क्लोज इंटरवल 1 to 5, ये अगर निकालना है तो ये 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 4.99 तक जाएगा, 4.99 तक जाएगा। तो ये था हमारा इंटरवल, मतलब मूवीज के बीच में जो कोई भी आता है वो वाला इंटरवल। अभी आपको क्लियर हो गया होगा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, इनका हमें काम है बच्चों, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं सेट थ्योरी पे, ताकि आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इफ ए इक्वल्स टू एक्स, इसको पढ़ेंगे बच्चों सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे सच दैट, ये आपको ऐसा भी मिलेगा कहीं कहीं पे, x such that x belongs to natural number, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, x such that x belongs to natural number, x is a factor of 6, इसका मीनिंग ये है कि सेट A में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि नेचुरल नंबर हो और क्या हो, फैक्टर ऑफ 6 हो, 6 के फैक्टर हमें निकालना आता है वो इसमें हम निकालेंगे, और b जो है x such that x belongs to natural number, ऐसे एक्स आएंगे कि वो नेचुरल नंबर हो, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8 और वो 8 के फैक्टर हो, फिर हमें निकालना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है। ओके, सो हम पहले लिख लेते हैं कि ए जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ 6। ओके, सो 6 के फैक्टर क्या आते हैं बच्चों, 1, 2, 3, उसके बाद 6, 1, 2, 3, 6, ये 6 के फैक्टर होते हैं, नेचुरल नंबर ही आएंगे इसलिए हमने 1, 2, 3, 6 ये लिख दिया। ओके, फिर बी, बी में क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 8, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8। ओके, सो बी में कौन कौन से आएंगे, फैक्टर ऑफ 8 मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा, इतने आगे। ओके, ए सेट निकाल लिया, बी सेट निकाल लिया, अब निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ओके, सो ए माइनस बी कैसे निकालते हैं बच्चों, बी तो बी को छोड़ना पड़ेगा और ए के वही एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो, बी को तो छोड़ना है, ये बी पूरा का पूरा छोड़ दो। ओके, और ए के वही एलिमेंट लिखो जो बी में ना हो, तो ए में 1 है बट बी में 1 है वो छोड़ दो, 2 में
ए में टू है, बी में भी टू है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। थ्री और सिक्स यहां नहीं है, तो थ्री और सिक्स आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद बी माइनस ए अगर करते हो तो अभी क्या करना पड़ेगा, ए पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा, जो ए सेट है ये वाला वो पूरा का पूरा छोड़ दो, और उसके बाद ए सेट है वो पूरा का पूरा छोड़ दो, और बी के वही एलिमेंट लिखेंगे जो ए में ना हो। ओके, ए पूरा का पूरा छोड़ दिया, अब बी को चेक करो, वन इसमें है इसको छोड़ दो, टू इसमें है इसको छोड़ दो, फोर और एट यहां नहीं है, तो यहां पे क्या आएंगे, फोर और एट। ओके, तो यहां पे हमारा ये वाला एग्जांपल कंप्लीट होता है। बस यहां पे दिक्कत होगी बच्चों, ये तो हमें आता है, ये फैक्टर कैसे बनाना है, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसके निकालना है, बस केयरफुली इसको पढ़ना है और बाद में ये इसको ही यहाँ पे लिखना है, मतलब इसका ही एक सेट बनाकर यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ए दिया है बच्चों हमें, ए इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो एक्स है वो नेचुरल नंबर होगा, ये जो एक्स है ना ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एक्स इज लेस देन एट, नेचुरल नंबर तो हो बट एट से लेस देन हो, x is less than 8 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, पहले हम a लिख देते हैं, a हमें दिया हुआ है 1 by x such that x belongs to natural number, x is less than 8, x is less than 8, okay? So 1 by x belongs to natural number, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है, नेचुरल नंबर की रख दो 1 by 1, उसके बाद 1 by 2, उसके बाद 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7, 1 by 8 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि less than 8 है, तो यहाँ पे हमारा ये सेट आ जाएगा। ओके, सो 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7, 1 by 1 लिखने से अच्छा है हम 1 लिख दे, 1 लिख देते हैं। ओके, सो b इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 by 2x such that x belongs to natural number, x is less or equals to 8। अभी equals to आया है बच्चों, मतलब हमें 8 को भी लेना है, यहाँ पे less than था, यहाँ पे equals to है, मतलब हम 8 को भी लेंगे। ओके, तो ये जो x है वो natural number आएगा और less than or equals to 8 आएगा। So 1 upon x की value, पहले natural number 1 से शुरुआत होती है, 1 रख दो तो क्या आएगा, 2 into 1 2 आएगा। ओके, 2 रख दो तो 2 into 2 4 आएगा, फिर 1 by 6 आएगा, 1 by 8 आएगा, 1 by 10 आएगा, फिर 12 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, और 8 रखोगे तो वो 16 आएगा। यहां तक हमने a और b सेट निकाल लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अभी निकालना है a माइनस b, a माइनस b क्या होगा वो निकालना है। तो a माइनस बी मतलब b को तो छोड़ना है, बट a के वही एलिमेंट लिखेंगे जो b में ना हो। तो 1 इसमें है क्या, नहीं है, लिख दो। ओके, 1 by 2 इसमें है क्या, है, छोड़ दो। 1 by 3 इसमें है क्या, नहीं है, लिख दो। सो 1 by 3, ओके, उसके बाद 1 by 4 इसमें है क्या, है, छोड़ दो। 1 by 5 इसमें है क्या, नहीं है, लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद 1 by 6 इसमें है क्या, है, छोड़ दो। 1 by 7 इसमें है क्या, नहीं है, तो लिखना पड़ेगा। ओके, सो क्या आ गए, 1, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, ओके, वैसे ही b minus a निकाल लो। सो b minus a, a को पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा और b के वही एलिमेंट लिखेंगे जो a में ना हो, जो a में ना हो। सो 1 by 2 है, छोड़ दो। 1 by 4 नहीं है यहाँ पे, 1 by 4 भी है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। 1 by 6 है क्या, है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। 1 by 8 नहीं है, तो 1 by 8 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 1 by 10 भी नहीं है, 1 by 12 भी नहीं है, 1 by 14 भी नहीं है, और 1 by 16 भी a में नहीं है, तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट वहां आ जाएंगे। ओके, तो a माइनस b और b माइनस a हमने वहां पे निकाल लिया। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि लेट x बी द यूनिवर्सल सेट, x हमें ये यूनिवर्सल सेट दिया है, फॉर नॉन एम्प्टी सेट a एंड b, a और b हमें दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ वाले भैया को हमें वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बच्चों, a यूनियन
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन का इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का यूनियन होता है. ओके सो ये दो लॉ हमें प्रूव करना है. ओके सो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. एक्स हमें गिवन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके उसके बाद ए हमें गिवन है वो है 1, 2, 3, 4, 5. ओके उसके बाद बी हमें गिवन है वो है 1, 2, 5, 6, 7. ओके 1, 2, 5, 6, 7. अब क्या करना है हमें, हमें ये निकालना है. तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं. ओके सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए में ना हो. ओके सो ए में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ दो, बाकी बचे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. सो 6, 7, 8, 9, 10. ओके उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में ना हो. सो 1, 2, 3 नहीं है यहाँ पे तो 3 लिखना पड़ेगा बी कॉम्प्लीमेंट में. 4 नहीं है वो भी लिख दो, 5 है छोड़ना पड़ेगा, 6, 7 है छोड़ना पड़ेगा, 8, 9, 10. एक बार चेक कर लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी में 1 है 2 है तो 1, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8, 9, 10 करेक्ट है. अभी ये दोनों की जरूरत पड़ने वाली है हमें, इन दोनों का यूनियन भी निकाल लो और इंटरसेक्शन भी निकाल लो. सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, सो 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. ओके उसके बाद इसका इंटरसेक्शन अगर निकालते हो तो वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं. सो कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, 8, 9, 10, 8, 9, 10. सो 8, 9, 10. ओके इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. ओके चलिए यहां तक तो बात सिंपल ही चल रही है. उसके बाद अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें ओरिजिनल सेट चाहिए. तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हमें ए यूनियन बी की जरूरत पड़ेगी. ओके सो हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं तो वो क्या आएगा बच्चों, ए यूनियन बी, ये ए सेट है हमारे पास, ये बी है. सो 1, 2, 1, 2 उसके बाद 3, 4 उसके बाद 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये तो रिपीट हो रहा है ना, 1, 2 रिपीट, हम एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं सेट में, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके ये ए यूनियन बी बन गया. अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट के पास जाएंगे, जो एलिमेंट इसमें है वो छोड़ देंगे. सो 1, 2, 3 ओके 4, 5, 6, 7 ये छोड़ना है, क्या बचा 8, 9, 10. ओके इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो. अभी ये और हमें ये साइड में क्या चाहिए, ये वाला. सो इक्वेशन नंबर 2 और 3 देख पा रहे हो आप लोग, फ्रॉम 2 और 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है 2 और 3 से, देखिए क्या मिल रहा है हमें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. 2 की भी यही सेट है 8, 9, 10 और ये वाला सेट भी 8, 9, 10, मतलब इसके बराबर ये होगा. ओके सो ये तो हमारा प्रूव हो गया. ओके अभी इसको प्रूव करेंगे. सो ये वाला तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया. अभी इसको प्रूव करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा. हमने निकाला है क्या ए इंटरसेक्शन बी, नहीं निकाला है, निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये ए और बी, मतलब कॉमन एलिमेंट लिखोगे. सो 1, 2, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5. सो 5 आ जाएगा, 1, 2, 5. अभी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो क्या आएगा बच्चों, एक्स, सो 1 है उसमें, 2 है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, बाद में 6, 7, 8, 9, 10 इतने सारे आ जाएंगे. ओके
उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको 4 दे दो। फ्रॉम 1 एंड 4 देखते हो तो 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हमें मिला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके तो ये इतना यहाँ पे आ जाएगा। ओके सो ये वाला भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके सो आज के लेक्चर में हम रुक जाते हैं बच्चों। ओके सो इंटरवल पढ़ा और कुछ 3 एग्जाम्पल पढ़े। अब इसके बेसिस पर जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो एग्जाम्पल आपको करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम रिलेशन पे आते हैं। ओके तो तब तक आप हमारे वीडियो लेक्चर पूरे के पूरे देख लेना। किसी बच्चे ने अगर ये बीच में से देख रहा हो तो पहले के 3 लेक्चर आप देख लो ताकि आपका सेट एंड रिलेशन बहुत अच्छे से हो जाए। ओके सो तब तक बने रहिए बच्चों हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।